धार भोजशाला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। एएसआई ने लगाई है रिपोर्ट। एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा था। धार भोजशाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए और अगली सुनवाई होगी 22 जुलाई को। एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा था। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय जुड़े हुए हैं। पुनीत, बेहद खास दिन होगा, 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। जी बिल्कुल सुमित, देखिए 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं और मामले की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। अभी हाल यह फैसला हाईकोर्ट इंदौर की तरफ से आया है और जो पक्षकार हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, वो बाहर आए हैं और उन्होंने आकर यह जानकारी दी है। हम उन्हीं से चर्चा कर लेंगे क्या बोल रहे हैं, हम सुना देते हैं हमारे दर्शकों को। देखिए तमाम लोग उनसे बात कर रहे हैं। ये जो सज्जन जिन्होंने याचिका लगाई है, ये कहाँ के हैं, क्या करते हैं, किस बिहाफ पे लगाई है? उनका धार के जैन समाज से कोई संबंध नहीं है। पिछले मंगलवार को पूरे समग्र जैन समाज ने, मंगलवार को आदरणीय गोपाल जी भाई साहब भी वहाँ पे थे जिनके नेतृत्व में यह नियमित सत्याग्रह मंगलवार को होता है, उन्होंने बाकायदा मीडिया से भी चर्चा करी। पुरुष भी थे, महिलाएँ भी थी और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करा है वहाँ पर। नहीं, वो हिंदू मंदिर है 1034 में राजा भोज ने बनाया, वहाँ का कंकर कंकर पाषाण पाषाण पत्थर शिलालेख वहाँ से निकले अवशेष ये सब बता रहे हैं और यही चीज जो सत्य प्रतिपादित हो इसीलिए सर्वेक्षण हुआ है। सर्वेक्षण नहीं, जैन समाज का स्वयं का ही मानना है कि उनका दावा ठीक नहीं है। नहीं, वो तो अभी पेंडिंग है। आज क्या सुनवाई हुई कोर्ट में, क्या बोला है? आपका नाम बताइए। आशीष गोयल, याचिकाकर्ता, भोजशाला प्रकरण। आप लाइव हैं, विस्तार न्यूज़ पे क्या बोला है आज कोर्ट में? कोर्ट, माननीय न्यायालय ने आज भोजशाला में जो हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई हुई है और कोर्ट नंबर 9 में आदरणीय धर्माधिकारी जी, आदरणीय रमन्ना जी, इनके समक्ष यह सुनवाई हुई। जो एएसआई द्वारा सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया था उसमें माननीय हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि 15 जुलाई तक यह रिपोर्ट पेश की जावे और प्रकरण में अगली तिथि 22 जुलाई निर्धारित है। तो देखिए सबसे पहले विस्तार न्यूज़ अपने दर्शकों को बता रहा है, आपका अपना चैनल भोजशाला से रिलेटेड ये सबसे बड़ी खबर आई है। देखिए सुमित, 2 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करनी थी लेकिन 2 जुलाई को एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें 4 सप्ताह का समय और दिया जाए। इस पर आज 4 जुलाई को पहले से ही सुनवाई तय थी तो आज जो सुनवाई हुई है उसमें हाईकोर्ट ने उनकी पूरी बात तो नहीं मानी लेकिन 15 जुलाई तक उन्हें समय दिया है, यानी 2 सप्ताह का समय उन्हें और दिया है। एएसआई ने और समय क्यों मांगा था पुनीत, ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। अतिरिक्त समय की मांग एएसआई ने क्यों की थी रिपोर्ट पेश करने के लिए? क्या कुछ एड ऑन करना चाहता था या फिर और विस्तृत तरीके से रिपोर्ट, विस्तार से रिपोर्ट बनाना चाहता था जिसमें सब चीजें आए? सुमित देखिए, 27 जून तक वहाँ का सर्वे होना था, उसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी लेकिन जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट नहीं प्राप्त होने की वजह से एएसआई ने हाईकोर्ट से समय की मांग की थी लेकिन समय 4 सप्ताह मांगा था उसकी जगह 2 सप्ताह दिया है और कहा गया है कि 2 सप्ताह में रिपोर्ट पूर्ण की जाए, 2 सप्ताह में रिपोर्ट पूरी कर हाईकोर्ट के समक्ष पेश की जाए जिसकी 7 दिन तक हाईकोर्ट स्टडी करेगा और 22 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। सुमित, निश्चित तौर पर 22 जुलाई का दिन भी काफ़ी अहम होगा जब अगली सुनवाई इसमें होगी। रिपोर्ट पेश करने के बाद जब 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी तब भी देखना होगा कि क्या कुछ फैसला आता है हाईकोर्ट की तरफ से। 22 जुलाई का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है धार भोजशाला को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए पुनीत, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।